Hey, what's up guys, मैं हृदय और आप देख रहे हो मेरा YouTube चैनल स्टाइल इन्फ्लुएंसर और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सिस्का ड्राई आयरन के बारे में जो कि मेरे पास है। पर्टिकुलरली जो इसका नेम है वो सिस्का स्टेलर ड्राई आयरन है और अगर आपको उस प्रोडक्ट के बारे में जानना है और उसके स्पेसिफिकेशन देखने हैं देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। अगर आप ड्राई आयरन लेने जा रहे हो कोई भी कंपनी का और अगर आपको जानना है कि क्या क्या नए चीज़ें आ चुकी हैं ड्राई आयरन में, क्या क्या नए स्पेसिफिकेशंस आ चुके हैं अंडर ₹600, सो स्टे ट्यून्ड इन दिस वीडियो एंड लेट्स चेक आउट द प्रोडक्ट गाइस। सो गाइज, दिस इज़ दी बॉक्स ऑफ सिस्का स्टेलर ड्राई आयरन और इसका मॉडल नेम है SDI07। इसके साइड पर मैंशनड है क्राफ्टेड इन कोरिया, मतलब ये कोरिया में बना है, सो नो चाइनीज़ प्रोडक्ट। साथ ही में कुछ स्पेसिफिकेशंस लिखे हुए हैं इसके, जिसमें है स्विवल कॉर्ड जो कि 360 डिग्री मूव कर सकती है, 2 ईयर्स वारंटी है, मल्टी फैब्रिक सेलेक्ट है, ओवर हीट सेफ्टी मिलती है आपको, साथ साथ इसकी सोल प्लेट में अमेरिकन हेरिटेज की कोटिंग है, साथ साथ इस ये ड्राई आयरन है 1000 वाट का। अब हम अपने प्रोडक्ट को निकाल लेते हैं बॉक्स से। सो सबसे पहले है बिल, बिल को रखते हैं साइड में और निकालते हैं अपने ड्राई आयरन को बाहर। सो इसमें एक और चीज़ मिली हुई है लेकिन वो डॉक्यूमेंट वाली है। सिस्का हमेशा अपने प्रोडक्ट के साथ एक आपको कार्ड देता है वारंटी वाला और वो कार्ड मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है सिस्का का वारंटी कार्ड, इससे आप अपनी वारंटी क्लेम कर सकते हो और आप चाहो तो इनवॉइस से भी क्लेम कर सकते हो, क्योंकि मैंने आज तक इसकी कोई ज़रूरत पड़ी नहीं वैसे, लेकिन आप इनवॉइस से भी क्लेम कर सकते हो। साथ ही में एक और डॉक्यूमेंट मिलता है, इसमें कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं सिस्का ड्राई आयरन के और आप चाहो तो इसको देख लेना अगर आप लेते हो तो। सो बात करते हैं अपने प्रोडक्ट की। सो ये है स्काई ब्लू और वाइट के कॉम्बिनेशन में और देखने में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है और जो कलर कॉम्बिनेशन है वो भी अच्छा है। एक और कलर कॉम्बिनेशन आता है वो है ग्रीन वाइट, वो भी काफ़ी अच्छा लगता है और ये भी अच्छा लग रहा है और काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है लुक्स में भी और डिज़ाइन में भी। और आप मैं अगर जिसको देख रहा हूँ फर्स्ट इंप्रेशंस मैं आपको जो बता रहा हूँ वो काफ़ी ज़्यादा स्टर्डी लग रहा है, जो प्लास्टिक है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है पकड़ने में, काफ़ी ज़्यादा हैंडी है, काफ़ी ज़्यादा हेफ्टी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा भारी नहीं है, हल्का है बहुत ज़्यादा। और जब आप इससे आयरन करोगे तो आपको थोड़ा मज़ा आएगी, मतलब अच्छा लगेगा क्योंकि हल्की चीज़ से आप आराम से ग्लाइड कर सकते हो, आराम से आप प्रेस कर सकते हो। बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की। सो इसमें अमेरिकन हेरिटेज की सोल प्लेट मिलती है आपको, जिसमें टेफ्लॉन कोटिंग होती है, यानी कि जितना भी गर्म हो आपका ड्राई आयरन आपके कपड़े इसमें चिपकेंगे नहीं। सो ये बहुत अच्छी चीज़ है, आजकल सारे ड्राई आयरन में आ रही है और साथ साथ ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होती है, सो ये भी बहुत अच्छी बात है। और इसकी सोल प्लेट जो है एल्युमिनियम की है, इसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा भारी भी नहीं होता है और हल्का भी रहता है, सो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। और आजकल सारे ड्राई आयरन में एक कोटिंग के साथ आ ही रहा है, इसमें अमेरिकन हेरिटेज की कोटिंग है, सो और भी अच्छा है। सो LED लाइट इंडिकेटर यहाँ पर प्लेस्ड है और काफ़ी ज़्यादा वैसे बड़ी दी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी बड़ी दी है पोर्शन जो है। और साथ साथ ये स्टैंडर्ड LED लाइट ही होगी, मतलब कुछ ऐसा कुछ खास नहीं होगी, स्टैंडर्ड इंडिकेटर लाइट है और रेड कलर में ही जलेगी, मैं अभी आपको जला के भी दिखाऊंगा। सो ये आपको पावर कट, पावर ऑन और साथ साथ ओवर हीट सेफ्टी, मतलब जैसे ही हीट हो जाएगा वैसे ही अपने आप ऑफ हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं अपने स्विवल कॉर्ड की, जो कि 360 डिग्री मूव हो सकता है, यानी कि आप जब भी किसी ट्रिकी पोर्शन में कर रहे होगे आयरन तो आपको पता चलेगा कि ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, आप इसको 360 डिग्री मूव कर सकते हो आराम से, zigzag मतलब आराम से आप आयरन कर सकते हो और वायर जो होता है वायर काफ़ी ज़्यादा खींचता है, प्रॉब्लम देता है, तो वो प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे मल्टी फैब्रिक सेलेक्ट की, जो कि आजकल वो भी सारे ड्राई आयरन से मिल रहा है लेकिन काम सबका थोड़ा सा अलग अलग करता है। सो इसमें आप अपने फैब्रिक के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो और इस हिसाब से ये हीटअप हो जाएगा और आपके कपड़े को क्या है वो नुकसान नहीं होगा, क्योंकि एक ही हीट पे कॉटन और बाकी सारे फैब्रिक नहीं होते हैं आयरन, इसलिए अलग अलग फैब्रिक के लिए अलग अलग सेलेक्ट है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है और काफ़ी हैंडी है, आप जब कुछ ही ऐसे कपड़े को करोगे कि बहुत ज़्यादा हल्का होता है तो आपको काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे इसमें ISI मार्किंग मिल जाती है बॉटम में, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है, यानी कि ISI सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। आप इसकी वायर की क्वालिटी देख सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छी है, कॉटन पैडेड वायर है, जो कि नॉर्मली जो होता है वो नॉर्मली आपको हर वायर में ऐसा ही मिलता है कॉटन पैडेड, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे होते हैं, शॉक प्रूफ होते हैं, तो आजकल सारे ब्रांड यही दे रहे हैं। साथ साथ आप देख सकते हो इसमें जो ये आपको प्लग मिलता है वो 3 पिन वाला मिलता है, जो कि नॉर्मली आजकल सारे ड्राई आयरन से मिलता है। सो
दिस इज़ इट अबाउट दिस प्रोडक्ट। नाउ मैं अब इसको प्लग इन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इसकी जो इंडिकेटर लाइट है और ये कितनी जल्दी हीटअप हो जाता है और कैसे पावर कट हो जाता है। सो मैंने अब इसको प्लग इन कर दिया है। अब मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं कॉटन पर इसको लगा देता हूँ। तो देखिए मैंने कॉटन पर लगा दिया, ये हीटअप होना चालू हो गया है। और देखिए जैसे ही हीटअप हो जाएगा वैसे ही इंडिकेटर लाइट बंद हो जानी चाहिए, और अभी हीटअप हो रहा है। सो ज़्यादा टाइम लेता है, और ये देखिए अराउंड मुझे लग रहा है शायद 10 सेकेंड से भी कम का टाइम लिया है और ये हीटअप हो गया है। और अब हम लोग इस ड्राई आयरन कर सकते हैं, मतलब आयरन कर सकते हैं। सो दिस इज़ एक्चुअली प्रिटी गुड, मीन्स आपको ज़्यादा टाइम वेट नहीं करना पड़ेगा, तुरंत ये हीटअप हो जाएगा, तुरंत आप आयरन कर सकते हो। सो दिस इज़ अ गुड थिंग। और यहाँ से आपको इंडिकेटर लाइट सब बताएगी कि पावर कट हो गया। आप फिर से ये थोड़ी देर बाद जैसे ही प्रेस का टेम्परेचर डाउन होगा ये फिर से ऑन हो जाएगी। सो दिस इज़ अ एक्चुअली रियली गुड फीचर। जिस हिसाब से इसके फीचर्स हैं और काफ़ी ज़्यादा स्टर्डी और प्रीमियम क्वालिटी है, उस हिसाब से जो इसकी प्राइस है वो है 550 रुपीज़ गाइस, मतलब आपको 600 रुपीज़ के अंडर मिल जाएगा। वैसे इसकी ज़्यादा प्राइस थी, अब थोड़ी प्राइस कट हो गई, तो 550 रुपीज़ में आपको ये मिल जाना चाहिए। और मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके ले सकते हो। कमेंट डाउन बिलो इन दी कमेंट सेक्शन गाइस कि आपको सिस्का ड्राई आयरन कैसा लगा और आपको वीडियो कैसी लगी, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टिल देन पीस।